परे मृत्यु मामलें तदंतकारी टीम को झटका होबनी नार्को टेस्ट अभियुक्त नाबालक राजी न होबारु अनुमति देलेनी नयागढ़ जुभेनाइल जस्टिस को देश को किसी दिन भितर मिलेगा कोरोना वैक्सीन सूचना देने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन तीन तारिखर दुईट टीकार जरूरकालीन व्यवहार पर मिली अनुमति सेपटे कोरोना टीकाकरण पूर्व देश में 736 जिले में ड्राई रन बाजिला घंटी खोलिला स्कूल कोविड कटकणा भितर दशम द्वादश श्रेणी आरंभ होगा पाठपढ़ा भुवनेश्वर में गणशिक्षा मंत्री समीर दास कले निरीक्षण स्कूल प्रवेश पूर्व थर्माल स्क्रीनिंग गोटे श्रेणी में बसवे 20-25 पिला महांगा डबल मर्डर घटनारे जोर धरला राजनीति समस्त अभियुक्तों गिरफ सह आईन मंत्री बहिष्कार दबी में बीजेपी डीजी ऑफिस घेराव सुरक्षा दृष्टि 19 प्लाटून फोर्स मुतयन आज सरकार और कृषक संगठन भितर बस अष्टम पर्याय बैठक निष्कर्ष न बाहर 26 तारिखर ट्राक्टर परेडर चेतावनी दे कृषक संगठन समस्त सीमार सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी एवं जड़े बर को दुई कनिया छत्तीसगढ़ बस्तर में गोटे बेदी दुई प्रेमिका को बाहला प्रेमिक उत्सव में सामिल हेले गाँ लोक नमस्कार कनक न्यूज को स्वागत परी मृत्यु मामलें तदंतकारी टीम को झटका लगी अभियुक्त नाबालक नार्को टेस्ट होबना नार्को टेस्ट पर राजी होनी नाबालक सहमति न मिलवर अनुमति देना नयागढ़ जुभेनाइल जस्टिस बोर्ड अभियुक्त नाबालक नार्को अनालीसीस् टेस्ट पर आवेदन करता एसआईटी नाबालक को पुणि अनुगुण बाल सुधार गृह को पठाई दी जाइए आज जुभेनाइल जस्टिस बोर्ड में हाजर होते परी मृत्यु मामलार मुख्य अभियुक्त नाबालक अनुगुण बाल सुधार गृह आनी नाबालक को हाजर कर नयागढ़ पुलिस द्वारा गत 5 तारिखर अभियुक्त नार्को अनालीसीस् टेस्ट पर एसआईटी आवेदन करता तेज नार्को टेस्ट पर नाबालक राजी न होवर अनुमति देना नयागढ़ जुभेनाइल जस्टिस बोर्ड पर मृत्युर अभियुक्त को एसआईटी प्रथम नयागढ़ पक्सो कोर्ट में हाजर करता बेले नाबालक दर्शाई मामला जुभेनाइल जस्टिस बोर्ड को स्थानांतर कर जुभेनाइल कोर्ट गत 5 तारिख में अभियुक्त को अनुगुण बाल सुधार गृह को पठाई देते तदंतकारी टीम को झटका लगी कारण परी मृत्यु मामलें अभियुक्त नाबालक नार्को टेस्ट वर्तमान समय नयागढ़ जुभेनाइल जस्टिस बोर्ड अनुमति देना कारण नाबालक निजे मना कर संपर्क में अधिक सूचना पर प्रतिनिधि प्रदीप्त रथ आम सहित जोड़ी होती प्रदीप्त प्राथमिक पर्यायर गोटे बड़ झटका आसाला जितेबाला अभियुक्त नाबालक दर्शाई थे कोर्ट आउ ए नार्को टेस्ट पर आवेदन कर एसआईटी किंतु विफलतार मुह देखा मिली क्योंना क्योंकि मामला टी गोलमाया हो तदंतकारी अधिकारी असुविधाजनक परिस्थित सृष्टि हो निश्चित भाव में देखु संग्राम गत 5 तारीख में एसआईटी आवेदन कर संपुक्त नाबालक नार्को अनालीसीस् टेस्ट पर सामान भाव में सामान दिन में संपुक्त नाबालक वकिल से नाबालक दर्शाई तार जन्म सर्टिफिकेट और बोर्ड सर्टिफिकेट दुटा जाक प्रड्यूस करते जहाँ पोक्सो कोर्ट ग्रहण करते ये घटना ये मामला जुभेनाइल जस्टिस बोर्ड में विचार होवार आवश्यकता अच्छी अनुभव करी जुभेनाइल जस्टिस बोर्ड को पठाई देते से दिन एसआईटी जो आवेदन करता जे संपुक्त अभियुक्त नार्को अनालीसीस् टेस्ट पर से घटनार आज निष्पत्ति निजार से ही हिसाब से आज संपुक्त जो नाबालक बाल सुधार गृह अनुगुल आणिक पहुंचा जाता एवं एसआईटी मध्य प्रस्तुत थला तापरे कमिटी जो सदस्य माने सेमाने समस्ते थिले बोर्ड रो सब सदस्य माने थिले एवं एतिकी बेले ताको पचरा जाइथला संपर्क नाबालक को पचरा जाइथला जे तुमर नार्को अनालीसीस् टेस्ट कराजिबो तुमे एथरे राजी ना नाही से कथा को से नाबालक जनक मना करथला एवं जेहेतु नाबालक मना करथला एवं जे प्रावधान रहिथि जे तार बिना सहमति रे टेस्ट करा जाई पारिबो नाही ताको आधार करकि मान्यवर बोर्ड नार्को अनालीसीस् टेस्ट में मना कर तेणु ये तमाम घटना जदि आम देखा गत डिसेंबर 20 तारिख में पोक्सो कोर्ट कला क्षमा कर 21 तारिख में हाजर करागला 22 23 24 तीन दिन रिमांड रे नियागला एवं तापर 14 दिन अंतर में जो भली भाव में पोक्सो कोर्ट में हाजर करजार प्रावधान रही हिसाब से हाजर करागला एवं सेठारु एसआईटी के गोटे पर गोटे विफलता मिलू प्रथम कथा हूँ नाबालक दर्शागला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में तार विचार पठागला
एवं नार्को एनालिसिस टेस्ट में जो आवेदन अभियुक्त नाबालक भी कोर्ट में उपस्थापन करा जाउछि गणमाध्यम तर पीछा करुछन्ति बा गणमाध्यम तर फोटोचित्र उत्तोलन पर चेष्टा करुछन्ति सब बेले से निर्दोष ताको फसई दिए जाइथिबार कथा कहि आछि आज मध्ये समिति किछि चित्र देखिबा प मिलिथिला कि देखु सी प्रथम गोटे कथा उपरे स्टैंड रखी तार सब सी कहे एस आई टी जबरदस्ती फसई जबरदस्ती राजी एवं मत माड़ मराई सी कहला तेणु ये तमाम कथा देखिले प्रथम संपृक्त नाबालक सी कही आसुची से निर्दोष किंतु एस आई टी जो भाई भाव में तथ्य प्रमाण जोगाड़ कर लगी कौटिना कौटि अनुभव करी एस आई टी पाखे पर्याप्त प्रमाण ना कारण प्रथम एस आई टी जाला संपुक्त युवक जनक हूँ नाबालक कारण तार सर्टिफिकेट एस आई टी पाखे एस आई टी जाला तार डेट अफ बर्थ जाला ता सत्वे पोक्सो कोर्ट में हाजर कराला प्रथम कथा कारण ता पछरे गोटे अनुमान होउछि जे संभवतः ताकू तीन दिन रिमांड में नहीं किठ अधिक तथ्य प्रमाण हासिल करने उद्देश्य एस आई टी पोक्सो कोर्ट में हाजर कराला द्वितीय कथा होची पुणी थरे प्रमाण हुए तो अभाव रही जो तार नार्को एनालिसिस टेस्ट करिया एसआईटी चाहूला नार्को टेस्ट राजी न होबा सर्वसाधारण तार को पुणी संदेह बढ़ेला बोली कहा जाई पारे कि जे जड़े जदि किसी दोष करनी जदि फसई दि जाए कौन टेस्ट से मना करुच्छे कहीं प्रश्नटी भी सर्वसाधारण उंकी मारुच्छे कि ना निश्चित भाव संग्राम देखु जिते बड़े तार पॉलीग्राफ टेस्ट करने उठा जाता सहित तो अन्य दुई जन को अन्य दुई जन राजी होते तार पॉलीग्राफ टेस्ट में से समय से राजी हो ना जेहेतु सी राजी हो ना तेणु एस आई टी मुख्य जेहेतु तुम्हें राजी हो ना अर्थ तुम्हें ये घटन संपुक्त अच एक कथा कहिबा परे संपुक्त नाबालक सेतेबेले राजी हेतला एवं तार पॉलीग्राफ टेस्ट आसला जो टेस्ट रे से सबुजाक लाइ कहिछि बोली एसआईटी मुख्य प्रेस मीट रे कहि सारिछन्ति तेणु आज जेतेबेले पुणी थरे ताकू कुहा जाय पतरा जायछि जे तुमे नार्को एनालिसिस टेस्ट में राजी ना नाही बोली से तार मना करिछि हुए तो ये घटना रे से तार निजर इच्छा न थई पारे किंबा तार वकील ताकू बतई थई पारंती किंबा कोनोसी कारण हो ना काहे कि सी मना करिछि तेणु निश्चित भाव रे ताप ऊपर मध्ये गोटे प्रश्नवाची सृष्टि हेती संग्राम धन्यवाद प्रदीप्त बहुत बहुत धन्यवाद समस्त सूचना पाए। महंगा डबल मर्डर घटन राजनीति ए घटन बीजेपी कर्मी माने आज कटक डीजी ऑफिस घेराव कर नजर रखी से 19 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन कर सहित पूरा पुलिस मुख्यालय को बैरिकेड रे कड़न कर आईन मंत्री बहिष्कार दाबी और समस्त अभियुक्त को गिरफ दाबी कर चली आंदोलन डीजी ऑफिस पुलिस मुख्यालय केमिति पुलिस बैरिकेड भितर रही तार चित्र आपण देखुछन्ति डबल मर्डर घटन बीजेपी कर्मी माने कटक डीजी ऑफिस घेराव करिछन्ति पुणि लुटिछन्ति साइबर ठक एस्कॉर्ट सर्विस नारे गूगल पे रु ठकि नैछन्ति 94731 टंका भुवनेश्वर रे एभली युवकों ठारु बड़ ठकेई होइछि एस्कॉर्ट सर्विस रे कलगाल देवे युवक को ठकि नहीं दुर्वृत्त सिलीगुड़ी कलगाल देवे भुवनेश्वर टंका गायब कर साइबर ठक 20 मिनिटर कथबार्ता भितर आकाउंट को सफा कर ठक एने साइबर हेल्प डेस्क सहायता नहीं संपुक्त युवक कलगाल जोगेदे 97,000 रु अधिक टंका युवकों आकाउंट रु ठकि नहीं साइबर ठक 20 मिनिट धरी फोन में वार्तालाप करते और तारी भितर आकाउंट रु पैसा हड़प करते एस्कॉर्ट सर्विस ना रे ठकी दुर्वृत्त माने जमतरा गैंग वर्तमान समय रे काया विस्तार करी भुवनेश्वर रे लोकं ठकिया उद्यम करुच्छे एक समस्त जानते विभिन्न समय रे बेनामी कॉल आसुची एपरिक साधारण टेलीफोन कॉल रे लिमिटेड अच्छी किंतु आम गत काली अपरिंग पर देख लु आम अधिकांश कॉल भुवनेश्वर बाहर सब आड़ आस समस्त अनुरोध केवल भुवनेश्वर बाहर जो मैंने अच्छा से मैंने नंबर को 7044000679 जो नंबरटा आम कल जारी करूँ कमिशनरेट पुलिस तरफ
कि जो मैंने साइबर क्राइम ठकामी होती किंबा कौ नंबर रु अटेम्प्ट जदि कहा उपरे होचे साइबर क्राइम रो से विषय कंप्लेन करबा पई ए जो साइबर क्राइम हेल्प डेस्क अछि एटा केवल भुवनेश्वर पई गतकाली आज पर्यंत प्राय 2000 रु अधिक कॉल ऑलरेडी आसी सारलाणी जेहेतु गोटे नंबर आम इश्यू करछु एवं भुवनेश्वर पई इश्यू करछु भुवनेश्वर रिलेटेड आमर पाखापाखि 20टा कॉल आसछि किंतु जेहेतु भुवनेश्वर बाहर रु मध्य लोकों धारणा रहीगला कि यहाँ समस्त तेणु बहुत कल आज तेणु आपण मध्यम समस्त को आउ थे जनईदेव गत काली सुधा भुवनेश्वर रिलेटेड आम पाखापाखि 20टा कल आसिफिक केस गुड़ा जो कर सब कल रेकर्ड कर तांगरो डिटेल रखा हो कौ टाइप चीटिंग है से रखा होम साइबर सेफ जोटा अच्छी नेशनली जो पोर्टाल अच्छे से रिपोर्ट करवश्यक स्थले कंप्लेन मानू व्हाट्सएप मध्यम डॉक्यूमेंट मगा जाए जो थे थाना केस कर आवश्यकता अच्छे थाना को पठाऊँ और थाना को हेल्प डेस्क मध्यम जन दिया व्यक्ति आसे केस रजिस्ट्रेशन कर स्पेसिफिक से भाई बहुत कॉल अच्छे रेकर्डिंग मुझे स्पेसिफिक रिलेटेड ना शीघ्र सांगे सांगे बंद हम नहीं हाँ जदि पैसा जदि पैसा जदि चली जाइछि ताले भितर सांगे सांगे ब्लॉक हो पारिबो जेमती आम ट्वीट करथिलु जे मागणा रे कोनसी जिंस मिले ना जदि आपनको के प्रलोभन देखौछन्ती आपण से प्रलोभन पड़ंतु ना द्वितीय जिनस कौन जिनस जोटा इलीगल लोभ दिखाई एस्कॉर्ट सर्विस नवा हो कि अन्य कौन से इलीगल जिनस होती पड़ंतु ना गत काली तमांडो थाना दुई जन को रिमांड आ फायरिंग केस तमांडो और खंडगिरी संपृक्त थे से कोर्टे आत्मसमर्पण करते सहित अन्न्य व्यक्ति संपृक्त अच्छा जेरा चलती महंगा डबल मर्डर घटन कटक डीजी ऑफिस घेराव कर बीजेपी कर्मी 19 प्लाटून फोर्स मुतयन कर पुलिस मुख्यालय को बैरिकेड रे कड़न कर रखा जा पुलिस छावणी में परिणत हो आईन मंत्री बहिष्कार और समस्त अभियुक्त को गिरफ दाबी रे बीजेपी तरफ चली आंदोलन ए संपर्क में अधिक सूचना पाई आम प्रतिनिधि समीर रंजन चौधरी आम सहित जोड़ी होती समय केमी रही बीजेपी आंदोलन और केत पुलिस छावणी में परिणत हो पुलिस मुख्यालय संग्राम देखु बीजेपी आंदोलन बेस जोरदार रही शताधिक कर्मी एटे एकजुट होती आप सीधा साल मो पचपट देखते बीजेपी नेतृवृंद बर्तमान एक सभा करूँ एवं जहाँ सूचना मिलूँ बीजेपी कर्मी मैंने सभा आरंभ करने राज्य पुलिस मुखिया अर्थात पुलिस डीजी बीजेपी एक प्रतिनिधि दल को राज्य आईन श्रृंखला जो विपर्यस्त बोली अभियोग कर संपर्क आलोचनापी वर्तमान पुलिस डीजी से निमंत्रण कर बीजेपी राज्य सभापति अच्छी नेतृत्व में 12 जणिया प्रतिनिधि दल बर्तमान पुलिस डीजी को भेटिया को जी तेज संग्राम सबुठ गोटे बड़ कथा हो बर्तमान आज जो सभा थिला एवं आज जो प्रतिवाद सभा थिला पुलिस डीजी कार्यालय घेरा भितर केवल जे महांगा डबल बंडर कथा आलोचना होता ता नुह राज्य बीजेपी नेतृवृंद मैंने परिकथा कहतु रत्न भंडार कथा कहतु राज्यर अन्न्य सबकि प्रसंग को एकाठी आनी थे एवं मूल उद्देश्य था कि राज्य में विजु जनता दल सरकार संपूर्ण रूपे आईन श्रृंखला परिस्थिति विपर्यस्त हो पड़ी जहाँ को संभाल सक्षम नुह एवं एथप्रति ये सब विषय उठेबाप निजे जे सांसद थे अपराजिता षडंगी से कही कि आगामी दिन में लोक मजबूत होगा पड़ो लोक किसी नुआ निष्पत्ति पड़ो अर्थात महांगा घटना को नहीं जदिव बर्तमान बीजेपी पुलिस डीजी कार्यालय घेराव करार भितर महांगा घटना सहित राज्यर अन्य चर्चित घटना को सामना को आनी राज्य सरकार को दोषारोप करजे सांसद अपराजिता मैडम कहते कि लोक मैंने एकजुट हूँ राज्य सरकार विरुद्ध निष्पत्ति आगामी दिन में बीजेपी पक्षर यह प्रतवाद यह जारी रहा तेज देखा बाकी रहा बर्तमान पुलिस डीजी को राज्य बीजेपी सभापति नेतृत्व में जो टीम जाने आलोचना कर फेरिया कौन प्रतिक्रिया रखुं वास्तविक आईन श्रृंखला परिस्थित नहीं आज जहाँ आलोचना करते से आलोचनार कौन निष्कर्ष बाहर था मोट उपर कहपर पुलिस डीजी कार्यालय घेरावपाई जो चेतावन देता भारतीय जनता पार्टी तेणु पुलिस मुख्यालय मन व्यापक सुरक्षा व्यवस्था कर संपूर्ण रूपे पुलिस कर्डन रही पुलिस मुख्यालय एवं 19 प्लाटून पुलिस फोर्स बर्तमान सुरक्षा दायित्व रही एपर्यंत बर्तमान कौन सी अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि होना प्रतिवादकारी आंतिशृंखला सहित एठार आलोचना करुँच सभा करुँच पुलिस मानक जगी रही
ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ସୃଷ୍ଟି ନେତୃବୃନ୍ଦ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ରହିଛନ୍ତି ସେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, କଟକରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପିର ଯେଉଁମାନେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ କଟକ ସହର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବେଶ୍ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏସବୁ ବାଦ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ମହାଙ୍ଗାରେ ହୋଇଯାଇଛି ଡବଲ ମର୍ଡ଼ର, ସେ ଡବଲ ମର୍ଡ଼ରରେ ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତିରେ ସେମାନେ ଅଟକି ବସିଛନ୍ତି କି ପୋଲିସ ଜାଣିଛି ଆମେ କାହା କଥା କହୁଛୁ, ତେଣୁ ପୋଲିସ ସେହି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ କଥା ଯିଏ କହୁଛି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡ଼ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି କଟକରୁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି, ଏବଂ ଏଥିସହିତ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ, ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରୁଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା କ'ଣ ରହିବ ସେ ସବୁ ବିଷୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ସଂଗ୍ରାମ ଧନ୍ୟବାଦ ସୌମ୍ୟ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। କରୋନା ଟିକାକରଣ ପୂର୍ବରୁ ଅଭ୍ୟାସ, ଦେଶରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଟିକାକରଣ, ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଶର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ଡ୍ରାଏ ରନ୍ କରାଯାଉଛି। ଦେଶର 736 ଜିଲ୍ଲାରେ ଟିକାକରଣର ରିହର୍ସାଲ୍ ଚାଲିଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ ଡ୍ରାଏ ରନ୍ର ସ୍ଥିତି ପରଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚି ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଡ୍ରାଏ ରନ୍ର ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟିକା ଆସିବ। ଏପୂର୍ବରୁ 29 ଆଉ 30 ତାରିଖରେ ଦେଶର 4 ରାଜ୍ୟରେ ଡ୍ରାଏ ରନ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ 2 ଜାନୁଆରୀରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଥିଲା। ଗୁଜରାଟ, ପଞ୍ଜାବ, ଆସାମ, ଆନ୍ଧ୍ରରେ ହୋଇଥିବା ଅଭ୍ୟାସରେ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହାପରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଡ୍ରାଏ ରନ୍ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। With the help of medical professionals and scientists, we could do extremely well, and the performance of 2020 on the COVID front for the whole of the world, and then you can compare it with India, highest recovery rate, lowest fatality rate. Out of something like 1 crore, 4 lakh patients who got affected with COVID, more than 1 crore, almost all of them literally have recovered and gone back home. And in the last 1 year, you have seen we started our journey with 1 testing lab, and today when I talk to you after exactly 1 year, we already have 2300 laboratories in the whole country. We are exporting PPE kits. We have the capability now to be able to export N95 masks, gloves, ventilators, everything that people used to talk towards the beginning of the pandemic in India as so called shortages which we were importing, including of course the testing kits, which we are producing almost 1 million testing kits a day now. Everything we have been able to take care of in India itself, and this has happened because of the inspiration given by the Prime Minister for the development of an Atmanirbhar Bharat by the countrymen. Today I am so happy and delighted to be here in Tamil Nadu. You know that in the shortest possible time India has also done extremely well on the front of the development of vaccine. ରାଜ୍ୟର 110 ସାଇଟ୍ରେ ଟିକାର ଡ୍ରାଏ ରନ୍ କରାଯାଇଛି। ସିଏସ୍ସି, ପିଏସ୍ସି ଆଉ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସମେତ 11 ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରିହର୍ସାଲ୍ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତି ସାଇଟ୍ରେ 25 ଜଣଙ୍କୁ ଡମି ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି। ଟିକା ନେବାର 30 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଯଦି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏଆଇଏଫ୍ଆଇ କିଟ୍ ଅବଜରଭେସନ୍ ରୁମ୍ରେ ରଖାହୋଇଛି।
କେନ୍ଦ୍ର ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଟିକା ଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୟୁନିଟ୍ 4 ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ଏନ୍ଏଚ୍ଏମ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶାଳିନ ପଣ୍ଡିତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଡ୍ରାଇ ରନ୍ ସରିଯାଇଛି, ସେଇଟା ଆମର ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ାରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଡ୍ରାଇ ରନ୍ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ ହସ୍ପିଟାଲ, CHC, PHC ଏବଂ ଆମର ଅର୍ବାନ୍ର UPHC ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଏବଂ କିଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ। ସୋ ସବୁ କିସମର ଫାସିଲିଟି ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ କେଉଁ ଫାସିଲିଟିରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆମେ ଆଜି ଡିଟେକ୍ଟ କରିଦେଇପାରିବା। ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ରୁରାଲ ଏରିଆରେ କରୁଛୁ, ସେଇଥିରେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇଟା ବି ଆମେ ଆଜି ଜାଣିପାରିବା। ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇ ରନ୍ଟାକୁ ଆମେ କରିଛୁ। ସେପଟେ ଟିକାକରଣ ସମୟରେ ଯେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଡ୍ରାଇ ରନ୍ ହେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି DMET। ସେ କହିଛନ୍ତି ସେ ଟିକା ନେବେ, ଟିକାର ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଟିକାର କିଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ, ଟିକା ନେବାରେ ସଙ୍କୋଚ କାହିଁକି। ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଉ ଟିକାର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥାଏ। କରୋନା ଟିକା ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ବାହାରିଛି, ଟିକା ନ ନେଲେ ଆମେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ ପାଇଁ 21 ଲକ୍ଷ ସିରିଞ୍ଜ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆମେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, କେବଳ ଆମର ଟିକା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣଟା କେତେ ସୁଚାରୁରୂପେ ଚାଲିପାରିବ ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟବାର ବି ଆମେ ଆଉଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରୁ, କାରଣ ଟୁ ଏନ୍ସିଓର ଦ୍ୟାଟ୍ ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେତେବେଳେ କିଛି ଲାପ୍ସେସ୍ ନ ରହୁ, ଏଇଟା ସେଇଟାକୁ କେବଳ ମାନେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କି ସେକେଣ୍ଡ ଡ୍ରାଇ ରନ୍ଟା ମାନେ ଏଇଟା ତ ଦେଶ ସାରା ଚାଲିଛି, ଏଠି ବି ଚାଲିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ବା ଯାହା ବାହାରିଛି ବା ଯେତିକି ପାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲିମିଟେଡ଼ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ବାହାରିଛି ଯେ ଟିକାକରଣ ପରେ ବିଶେଷ କିଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଯାହା ବି କାଁ ବାହା ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ସବୁ ଟିକାରେ ବି ହୁଏ, ସବୁ ଔଷଧରେ ବି ହୁଏ। ଆପଣ କହିପାରିବେ କୌଣସି ଯେକୌଣସି ଔଷଧ ହେଉ ବା ଟିକା ହେଉ କାହାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ୱିଦିନ୍ ଲିମିଟେସନ୍ ସେଇଟା ରହିବ ତାହେଲେ ଟିକା ନେବାରେ କିଛି ସଙ୍କୋଚ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରିନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଟିକାକରଣ ପରେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ବିଷୟରେ ବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଷ୍ଟଡ଼ି କରାଯିବ, କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଏ ଟିକାକରଣ ହେଇଛି, କାରଣ ସେଇଟା ଆମର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା। ଆଜିଠାରୁ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ପାଳନ କରି ଖୋଲିଛି ସ୍କୁଲ କଲେଜ। ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯିବା ସହିତ ହାତ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ପାଳନ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ଜୋରସୋରରେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରେଣୀଗୃହକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖାଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବସିବାକୁ ଥିବା ବେଞ୍ଚର ଡେସ୍କରେ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ଲଗାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି ପରେ ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ ପରେ ଖୋଲିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କଲେଜ। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ୟୁନିଟ୍ 9 ଗାର୍ଲସ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ କରିଥିଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପାଳନ କରି ଆଜିଠାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠପଢ଼ା ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ 20ରୁ 25 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରାଯିବା ଉପରେ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଶ୍ରେଣୀଗୃହକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯିବ। ସ୍କୁଲ କାନ୍ଥରେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଯାଇଛି। ସେପଟେ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଉ ସେକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ହେଇଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଲାସ୍ 10th ଆଉ 12th ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଡିଟେଲ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆଉ SOP ଇସ୍ୟୁ କରାହେଇଛି, ଏବଂ ସେଇ ଡିଟେଲ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ SOPକୁ ଟିଚର୍ମାନେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଯେମିତି ପାଳନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଇନ୍ସଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସମୟ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ନମସ୍କାର।